हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का T10 स्टडी पर। दोस्तों, जैसे कि कल के क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस किया था, उसमें मैंने प्लांट में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है और ह्यूमन में ब्लड के बारे में आप लोगों को फुल्ली डिस्कस कराया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपने वो पिछला वीडियो देखा होगा, ठीक है। उसमें मैंने ब्लड के बारे में डिटेल में बताया था और मैंने कहा था कि जो आगे का जो स्लाइड होगा या आगे का जो वीडियो होगा, उसमें मैं इसका MCQ आप लोगों के सामने लाऊंगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में ब्लड से रिलेटेड जितने भी MCQs पॉइंट होते हैं वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और यदि फर्स्ट टाइम चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, देखिएगा, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो देखिए, रक्त को कहा जाता है तरल संयोजी ऊतक। नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, तरल संयोजी ऊतक। देखिए, तरल संयोजी ऊतक इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वह लिक्विड फॉर्म में होता है और यह क्या करता है, एक साथ सभी अंगों को कनेक्ट करके रखता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं ब्लड को। ओके, चलिए नंबर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, रक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जनरली जो रक्त होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो रक्त दो प्रकार के, एक तो आपका होता है प्लाज्मा, ठीक है, और एक क्या होता है, एक होता है आपका ब्लड सेल्स, ठीक है। एक प्लाज्मा होता है और एक ब्लड सेल्स होता है। तो चलिए नंबर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आयतन के हिसाब से प्लाज्मा संपूर्ण रक्त का कितना प्रतिशत भाग होता है। यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ये सारे क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। तो अगर हम प्लाज्मा की बात करें, तो उस क्लास में मैंने बताया था कि ब्लड सेल में जब प्लाज्मा और ब्लड सेल क्या होता है, ब्लड के टाइप्स हैं, तो उसमें प्लाज्मा जो होता है टोटल ब्लड का कितना प्रतिशत भाग होता है, 55% भाग होता है। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का ठोस भाग कौन सा है। तो देखिए, प्लाज्मा जो है आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में, मैंने कल के क्लास में बताया था, और ब्लड सेल जो है यह ब्लड का सॉलिड फॉर्म में पाया जाने वाला है, ठीक है। तो क्या होता है, ब्लड सेल जो है वह कौन से फॉर्मेट में, सॉलिड फॉर्मेट में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रक्त का ठोस भाग कौन सा है, तो हो जाएगा रक्त कणिका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए, शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को डेवलप कौन करता है। अगला प्रश्न कौन सा प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न है, शरीर में क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को कौन विकसित करता है, यानी इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम कौन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, WBC ही जनरली क्या करता है, हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको क्या करता है, डेवलप करने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगर इसका आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और तब हम बता देंगे आपको कि इसका PDF आपको कहाँ से मिलेगा, ताकि आप खुद से भी कॉपी पेन लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कभी भी थ्योरी को पढ़ लेने के बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। इसमें मैंने थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठवा नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो मानव शरीर का सैनिक किसे कहते हैं, तो WBC को, मानव शरीर का सैनिक किसे बोलते हैं, WBC को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं WBC को, मानव शरीर का सैनिक, क्योंकि यह क्या करता है, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, और इसीलिए इसे हम किस नाम से बुलाते हैं, शरीर का सैनिक के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं, सातवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, रोगों से लड़ने में कौन मदद करता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है यह रोगों से लड़ने में मदद करता है। लिम्फोसाइट किसका टाइप्स है, तो ये WBC का ही टाइप है। देखिए, बेसिकली WBC के 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है, और उसी में जो आपका लिम्फोसाइट है वह रोग से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो आठवां नंबर प्रश्न है, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, तो रक्त में पाया जाता है लोहा, ठीक है। लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है, ठीक है, क्या होता है, Fe होता है। चलिए
आठवां हो गया। अब नौवां नंबर प्रश्न देखते हैं, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम। देखिए वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बताइए आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने आंसर दे दिया होगा। आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है वैज्ञानिक नाम? एरिथ्रोसाइट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके एरिथ्रोसाइट। चलिए नेक्स्ट है, आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है। देखिए हमारे शरीर में आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स ये जो है रक्त कोशिका का प्रकार है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है आपका आरबीसी। और आरबीसी का कितना होता है, अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के रेशियो की बात करें तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है कितना होता है, 600:1, मतलब 600:1 होता है। किसका? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो। लेकिन होता क्या है, कभी कभार हमारे फ्रेंड सर्किल में लोग मूर्ख बनाने के लिए क्या कर देते हैं, इसको उलट देते हैं, डब्ल्यूबीसी पहले आरबीसी बाद में कर देते हैं। तो आप भी उलट दीजिएगा, यानी जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो 600:1, या पूछ ले डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात तो 1:600। ओके चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है। ठीक है, तो देखिए विटामिन की बात करें तो विटामिन के जो है, विटामिन के यह क्या करता है, रक्त को जमने में मदद करता है। तो 11वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के, सॉरी ए नहीं बी। ठीक है विटामिन के। चलिए नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। कल के क्लास में मैंने बताया था ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है 7.4 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं, 13वां कह रहा है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। देखिए शरीर में अगर हम जनरली रक्त की बात करें तो अगर हम बात करें मेल का, ठीक है, तो मेल में होता है 5 से 6 लीटर। फीमेल की बात करें, ठीक है, तो फीमेल में ब्लड की जो मात्रा होती है वह कितना होता है, 4 से 5 लीटर के करीब होता है। ठीक है, और जनरली अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि मनुष्य में अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिला में पुरुषों की अपेक्षा ब्लड की मात्रा कितनी कम होती है, तो लगभग 0.5 लीटर के करीब क्या होता है, कम होता है। अगर हम रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो मेल में 5 से 6 लीटर और फीमेल में 4 से 5 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि शरीर का के भार का कितना प्रतिशत ब्लड होता है शरीर में। ठीक है, तो ये होता है आपका 7%। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या होता है, हमारे शरीर के भार का 7% ब्लड होता है हमारे शरीर में। ठीक है चलिए अगला प्रश्न वही है, वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है। तो मैंने अभी जस्ट कहा 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा 14 नंबर का ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं, रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो मैंने कल के क्लास में बताया था ब्लड सेल और प्लाज्मा, प्लाज्मा में वाटर की मात्रा कितनी होती है, तो 90% होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वाटर कितना होता है, वाटर आपका हो जाएगा 90%। ठीक है, प्रोटीन की बात कर लें, प्रोटीन आपका कितना हो जाता है, 7%। और अन्य जो भी शेष बचते हैं, ठीक है, वो सारे कितने होते हैं, 3%। शेष जो भी पदार्थ बचे 3% बचते हैं। तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आरबीसी का कब्र किसे माना जाता है। देखिए कब्र कहने का मतलब होता है कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है। ठीक है, तो आरबीसी की मृत्यु जो होती है वह कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। ठीक है, और स्प्लीन को ही प्लीहा के नाम से जाना जाता है। स्प्लीन को ही किस नाम से जाना जाता है, प्लीहा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें है कभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा रक्त कण अपना आकार बदलता है। ठीक है, देखिए आकार बदलने से एक बात याद आई कि जब आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा सेल, तो उसमें आप लोगों को पता चला होगा कि सबसे जो छोटा एक कोशिकीय जीव अमीबा है वह क्या करता है, अपने शरीर का स्ट्रक्चर चेंज करता है। तो क्या हमारे शरीर में कोई ऐसी कोशिका है जो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। तो जी हाँ, हमारे शरीर में भी एक ऐसी कोशिका है जो अपना स्ट्रक्चर रेगुलर चेंज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, WBC कहते हैं। ठीक है, इसी को हम
इसका अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑप्शन में या तो आपको WBC मिलेंगे या तो ल्यूकोसाइट मिलेंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का क्या हो जाएगा, कौन सा रक्कन अपना आकार बदलता है, WBC, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, 20वां नंबर का देखते हैं। 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है, मनुष्य में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है। तो देखिए, मनुष्य में चार प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। तो ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं जनरली, ठीक है। अब इसमें याद रखने वाली क्या बात है, ब्लड ग्रुप जो ओ होता है इसको कहा जाता है क्या, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कि सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। ओ को क्या कहा जाता है, सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हम इसे किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड की कमी है और उसको यदि ब्लड चाहिए तो हम उसको या तो उसी का सेम ब्लड ग्रुप देंगे या नहीं तो ओ वाला ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे सर्वदाता रक्त समूह इसीलिए बोला जाता है। अब बात करें, इसमें एक सर्वदाता होता है यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है और एक होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी कि सर्वग्राही, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, तो ए बी जो है वह क्या है, सर्वग्राही रक्त समूह है। तो याद रखिएगा, रक्त समूह से रिलेटेड इतना क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 20 क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20वां का, मनुष्य में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 21st क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त में कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। देखिए एंटीजन जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा एंटीजन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ए हो जाएगा आंसर। एंटीजन कौन कौन सा, एक तो एंटीजन ए होता है, ठीक है, एक तो एंटीजन ए होगा और एक एंटीजन बी होता है, ठीक है। तो एंटीजन कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वदाता रक्त समूह कौन है, मैंने जस्ट कहा था सर्वदाता कौन सा है, सर्वदाता ओ वाला सर्वदाता है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 23 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ए बी है, यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24वां नंबर प्रश्न देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर किसकी उपस्थिति में रक्त नहीं जमता है। देखिए अमूमन क्या होता है कि शरीर से बाहर जैसे ही हवा के संपर्क में ब्लड आता है तो वो जमना स्टार्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि प्लेटलेट्स जो होता है उसको जमाने में मदद करता है। प्लेटलेट्स के साथ साथ विटामिन के और प्लाज्मा भी रक्त को जमाने में मदद करता है। ओके, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि शरीर के अंदर आखिर ऐसा क्या चीज़ है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसके वजह से शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। तो वो हेपेरिन है जिसके वजह से क्या होता है, शरीर में रक्त नहीं जमता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेपेरिन के वजह से क्या होता है, शरीर में रक्त नहीं जमता है। ओके, चलिए अगला है, रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो रक्त की कमी से होता है एनीमिया रोग, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो सेक्शन था ऑब्जेक्टिव का आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इसका थ्योरी पहले देख लीजिए, उसके बाद इसके MCQs कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को समझ में आए। अगर इसका PDF चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो हम आपको बताएंगे कि PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, ठीक है। और उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहद तरीके से, अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला इसका पार्ट लेकर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।